खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के ताजा बयान के बाद आज बैंकॉक में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तरीके की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और यह स्टैंड शुरू से भारत का रहा है। कई बार यह साफ किया जा चुका है और एक बार फिर से एस जयशंकर ने यही जवाब दिया है अमेरिका के विदेश मंत्री को। तो बहुत ही अहम यह मुलाकात हुई है दोनों की। सवाल यह कि बार बार आखिर अमेरिका यह राग क्यों अलाप रहा है, मध्यस्थता की बात क्यों कहता आ रहा है, और यह आपको बड़ी खबर हम दे दें। दरअसल बैंकॉक में मुलाकात हुई है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री से, और इसी दौरान एक बार फिर से यह बात साफ कर दी गई कि हमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या ट्वीट किया है एस जयशंकर ने। अमेरिकी विदेश मंत्री को आज सुबह साफ कर दिया गया कि कश्मीर पर कोई भी बात अगर जरूरत हुई तो सिर्फ पाकिस्तान से होगी, जो कि भारत का पुराना स्टैंड है। एक बार फिर से हम उसी पर कायम, किसी भी तरह की बातचीत द्विपक्षीय ही होगी, यानी बायलेटरल टॉक होगी जो भी बातचीत होगी। आइए सीधे आपको प्रणय उपाध्याय के पास लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है, सवाल यह है कि बार बार फिर अमेरिका यह राग क्यों अलाप रहा है, मध्यस्थता की बात क्यों कही जा रही है। देखिए अखिलेश, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैंकॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मुलाकात में जो कुछ कहा वो लगभग उसी तर्ज पर है जिस तरीके का बयान उन्होंने संसद में दिया था। भारतीय विदेश मंत्री ने संसद में जिस तरीके से कहा था कि पाकिस्तान के साथ अगर जब भी बातचीत होगी तो वो द्विपक्षीय ही होगी। बात सवाल ये बिल्कुल लाजमी है कि बार बार अमेरिका ये बात क्यों कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब अमेरिका गए थे तो वहां उन्होंने इस चीज का जिक्र छेड़ा, इस चीज से बात की, और उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत बयान दिया था। हालांकि बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भी उनके बयान को बदलना पड़ा, पलटना पड़ा। ये सवाल लाजमी है कि आखिर अमेरिका ये क्यों कह रहा है। ये अमेरिका की इच्छा हो सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा हो सकती है, और खासतौर पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद हो सकता है कि उन्हें ये लगता हो कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच भी इस बारे में मध्यस्थता करें। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है अखिलेश जब अमेरिकी राष्ट्रपति या दुनिया के किसी नेता ने इस तरीके की इच्छा जाहिर की हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत ये लगातार स्पष्ट कर चुका है कि 1972 में हुए शिमला समझौते और 1999 के लाहौर डिक्लेरेशन के मुताबिक जब भी बातचीत होगी सभी लंबित मुद्दों पर तो द्विपक्षीय स्तर पर होगी। सवाल यह है अखिलेश कि बार बार पाकिस्तान इस मामले में पोजीशन बदलता रहा है। वो एक तरफ दस्तखत करता है शिमला समझौते से लेकर लाहौर डिक्लेरेशन तक, लेकिन उसके बाद हर बार ये पोजीशन चेंज करता है। कभी चीन से मध्यस्थता की पेशकश, कभी अमेरिका से मध्यस्थता की पेशकश, कभी नॉर्वे से मध्यस्थता का प्रस्ताव। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की जो मंशा है शुरू से सवालों के घेरे में है और उसकी बार बार कोशिश होती है कि दुनिया के किसी देश को इसमें इन्वॉल्व करे, लेकिन भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि हमारा जो पुराना स्टैंड था वही अभी भी है, ये द्विपक्षीय मसला है, किसी और की हमें जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया प्रणय इस जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर चुके हैं। 22 जुलाई को जब इमरान खान अमेरिका गए थे तो व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने झूठा दावा किया था कि ओसाका में हुई G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने की बात कही थी। ट्रंप के इस दावे को भारत ने गलत बताया था। आई विल बी आस्किंग प्रेसिडेंट ट्रंप, इट्स द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स, इट कैन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग peace in the subcontinent. You know, there are over a billion and a quarter people in the subcontinent. They are held hostage to the issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state headed by President Trump can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue, but unfortunately we haven't made headways as yet, but I'm hoping that President Trump would push this process. So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years.
I was surprised at how long it's been going on. Long 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over a billion people if you can mediate and resolve this issue. जो ताकतवर है उसे जवाबदेह भी होना चाहिए, जिम्मेदार भी होना चाहिए. लेकिन जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप को, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया, और इस तरीके से झूठ बोलते हैं. ट्रंप के झूठ पर खूब कोहराम मचा था. विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने संसद में बयान देकर ट्रंप के दावे को गलत बताया था. We heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody.